दोस्तों हम सभी की लाइफ में एक सपना होता है कुछ ना कुछ कर दिखाने के लिए। इसके लिए कुछ लोग डॉक्टर बन जाते हैं और कुछ लोगों का सपना होता है एक इंजीनियर बनने का, या कुछ लोगों का सपना होता है एक अच्छे वकील बनने की। अच्छा, जब बात आती है एक अच्छे वकील बनने की तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन घूमता रहता है यार, कोर्ट में आर्गूमेंट कैसे होती है, कोर्ट में बहस कैसे होती है। भले ही आप लॉ की पढ़ाई ना कर रहे हो या इंटर कर रहे हो, अगर आपके दिमाग में सपना है एक अच्छे वकील बनने के लिए तो आप ऐसी वीडियोज देखते रहते हैं। तो चलिए अच्छी वीडियो में ऐसे जान लेते हैं कि आप कोर्ट में आर्गूमेंट करके कैसे केस जीत सकते हैं या कोर्ट में आर्गूमेंट कैसे होती है। साथ ही साथ कुछ टिप्स मैं दूंगा, अगर आप एक अच्छे वकील बनना चाहते हैं तो आपकी लाइफ में वो बहुत काम आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल एडो हेल्पर्स। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मुझे 2.5 साल हो गया प्रैक्टिस करते करते। जब मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा था तो मेरे दिमाग में भी यही क्वेश्चन था कि यार कोर्ट में आर्गूमेंट कैसे होती है और कोर्ट में केस को कैसे जीत सकते हैं। इसके लिए मैं भी बहुत सारी मूवीज देखता था और बहुत सारी वीडियोज भी देखता था। तो यहाँ पे मैं बताऊँ भाई, जब मैं इस फील्ड में आया तो रियलिटी में मुझे बहुत डिफरेंट मिला। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, रील में और रियल में हम लोग भी जानते हैं बहुत सारा फर्क है, लेकिन रियलिटी में जब मैं इस फील्ड में आया, कोर्ट में गया, देखा वहाँ की हालात, तो मैं आपको बता दूँ भाई, बहुत ही मुझे फर्क वहाँ पे देखने को मिला। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जब मैं कोर्ट में आया तो मैंने रियलिटी देखी कि एक एक कोर्ट में एक एक दिन में 200-200 मुकदमे लगते हैं। ये मैं प्रेजेंट टाइम की बात बता रहा हूँ। तो यार 200, आप सोचिए एक दिन में 200 मुकदमे लगे हैं, वो जज को कैसे हैंडल करेगा। साथ ही साथ आपको तो पता ही है कि यार अपने देश में जजों की कितनी कमी है, साथ ही साथ अच्छे वकीलों की भी कमी है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि कोर्ट में आर्गूमेंट कैसे होती है। तो अगर हम बात करें कोर्ट में आर्गूमेंट कैसे होती है, तो सबसे पहले जो आप ग्राउंड यानी आपने जो मुकदमा किया है वो मजबूत होना चाहिए। आपके मुकदमे में सॉलिड बातें लिखी होनी चाहिए। आपका जो ग्राउंड आप लेकर आ रहे हैं वो बहुत मजबूत होना चाहिए। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है यानी आप रेगुलर प्रैक्टिस में हों। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं है, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है या आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं लॉ की पढ़ाई से देख करके और कोर्ट में बैठने लगूंगा और भले आपको कोई केस मिल गया, आप जज के सामने जा करके सारी बात कह देंगे, तो भाई आप नहीं कर पाएंगे। कि हम लोग आपस में बात करते हैं वो अलग है, जब आप जज के सामने अपनी बात को रखेंगे तो वो उसमें और उसमें बहुत आपको डिफरेंट मिलेगा। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये झेल चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको रेगुलर प्रैक्टिस में रहना है, तभी आप एक अच्छी बहस कर पाएंगे। क्योंकि जब आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहते हैं, किसी सीनियर के अंडर में रहते हैं, तो आप देखते हैं कि आपका सीनियर जज से कैसे बहस कर रहा, कौन से टॉपिक पे किस तरीके से बात कर रहा। एक ही जज से बात करने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि आपको रियलिटी में खुद कोर्ट में प्रैक्टिस करके सीखना होगा और इसके लिए भाई लॉन्ग टाइम यानी लंबा समय लगेगा। जब आप बहस कर रहे हैं तो आपको बहस के दौरान जज से अपने केस से रिलेटेड बातें करनी है। जो आप तथ्य लेकर आ रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड आपको अपनी बातें जज के सामने रखनी है। अच्छा, बीच बीच में चाहें तो आप बहस के दौरान एक एग्जाम्पल जज के सामने रख सकते हैं। जब आप बहस कर रहे हो तो ध्यान रखिए जो दूसरी पार्टी है उनके जो वकील बहस कर रहे हैं, तो कोशिश करें जो उनका कोई वीक पॉइंट पकड़ने की, यानी बहस में कभी ना कभी कुछ बातें जो हैं गलती से निकल जाती हैं, तो कोशिश करें उनकी बात को पकड़ने की। अगर आप उसको पकड़ लेते हैं तो आप वो बात जज के सामने रख सकते हैं। बहस के दौरान चाहिए कि आपको कोर्ट के सामने एक ही बात को रिपीट ना करें। अगर आपका कोई केस है तो उससे रिलेटेड आप कोई पुरानी बात जज के सामने रख सकते हैं। बहस के दौरान अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें। आप चाहें तो वहाँ पे कोई रूलिंग दे सकते हैं उससे रिलेटेड। कहने का मतलब उससे रिलेटेड अगर कोई मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में हुआ है और ऐसा कोई डिसाइड हुआ है तो उसकी आप रूलिंग दे सकते हैं, तो वहाँ पे आपका पक्ष मजबूत हो जाएगा। अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखिए। साथ ही साथ जो दूसरा पक्ष है जो बातें कह रहा है जिससे, उनकी बातों को भी सुने कि वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद आप मजबूती से अपना पक्ष जज के सामने रखें। बहस के दौरान एक बात ध्यान रखें, आप पूरी ड्रेस में होने चाहिए। कभी कभी क्या होता है कुछ वकील जो है बैंड नहीं बांधते हैं और जो है जज होता है तो वो कह देता है कि वकील साहब अपना बैंड नहीं बांधे, तो यहाँ पे थोड़ा इंसल्ट हो सकती है। तो बहस के दौरान याद रखें कि आप अच्छे से हों और पूरी ड्रेस में हों। एक बात का ध्यान रखें, जब आप बहस कर रहे हो तो आपकी फाइल आपके सामने होनी चाहिए ताकि अगर आप कोई आप कुछ फंस रहे हैं तो आप उसमें देख के जज को बता सकें। आप एक बात और फ्रेंड्स, आपका जो पक्ष है वो लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, और आपका जो ग्राउंड है वो मजबूत होना चाहिए। एक बात और बता दूं दोस्तों, अपनी लाइफ में जो एडवोकेट होता है वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है, तो हर मुकदमे से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहेगा। आप एक अच्छे वकील बनना चाहते हैं, साथ ही साथ आप चाहते हैं कि आपकी बहस बहुत ही सॉलिड हो, तो आपको चाहिए कि आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहें।
क्योंकि आप जब रेगुलर प्रैक्टिस में रहते हैं तो आपको यार बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अगर आप एक अच्छा वकील बनना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहें, क्योंकि रील में और रियल में बहुत फ़र्क है मेरे भाई। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा वकील बनना, साथ ही साथ आप चाहते हैं कि आपकी जो बहस हो सॉलिड हो, तो आप कोर्ट में रेगुलर प्रैक्टिस करें अगर आप एक अच्छे वकील बनना चाहते हैं तो। साथ ही साथ आपको लंबा वक्त देना पड़ेगा एक अच्छे वकील बनने के लिए, कहने का मतलब मिनिमम आपको 5 साल देने पड़ेंगे एज अ जूनियर के तौर पे, तब आप एक अच्छे वकील बन सकते हैं और आप बहस कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल बहुत लोगों के मन में जो क्वेश्चन थे कि यार हम बहस कैसे करें क्या करें, तो भाई मैं यहीं पर फिर एक बार बताऊँगा, आप रेगुलर प्रैक्टिस में आइए, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी बातें सीखने को मिल जाएंगी और आप आगे जाके बहुत अच्छे वकील बनेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।